सदगुरु जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई गुलामी तो परिवारवाद तो गुलामी लाता है ना, सत्ता में भागीदारी नहीं आने देता, तो प्रधानमंत्री का जो वार है वो इस परिवारवाद के खिलाफ है जो कि डेमोक्रेसी, मतलब अगर आप में काबिलियत है तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप एक खास परिवार के नहीं है, इस पर वार था प्रधानमंत्री का। जी सदगुरु जी, ऐश्वर्य जी, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। हमारे श्रद्धे आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रिय मनोज बैठे हुए हैं, मनोज जी, और हमारी बहन बैठी हुई है आपसे, हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हैं, सबको बहुत बहुत प्रेम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री बड़ा बेबाक तरीके से भी आचार्य जी ने कहा, और वास्तव में एक संत ही ऐसा कह सकते हैं, आचार्य जी ने कहा कि आज के दिन में प्रधानमंत्री जी का आलोचना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 130 करोड़ देशवासियों और सैकड़ों देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, सारे देश के लोग भारत की ओर टकटकी लगाकर देखो। उन्होंने सिर्फ दो बातें कही, एक बात उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार के ऊपर अब टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि भ्रष्टाचार से अब घृणा करना चाहिए, और भ्रष्टाचार से तो घृणा है परंतु भ्रष्टाचारी से भी घृणा की दृष्टि से अगर नहीं देखेंगे, अगर आप उनको ग्लैमरस जीवन देंगे, अगर उनको महिमा मंडित करेंगे, तो कौन व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेगा। अगर मैं भ्रष्टाचार करूं, चोरी करूं, डकैती करूं, मर्डर करूं, उसके बाद भी समाज में अगर मेरी जय जयकार हो तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा, ये तो बढ़ाना होगा। इस तो प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके प्रति देशवासियों के मन में कोई सम्मान की भावना न हो, बल्कि ईमानदार देश के लिए जीने वाले, देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ लोगों के प्रति उनके हृदय में आह्लाद, प्रेम और सम्मान हो। दूसरी बात, उन्होंने परिवारवाद की बात कही कि परिवारवाद से भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार से परिवारवाद बढ़ता है। आज मैं प्रधानमंत्री जी के दो बातों से, एक बात तो पहले वो मैं महिला सम्मान के लिए कहता हूं, जब उनके गले रूंध गए, हालांकि उनको भी लोग ड्रामा कह सकते हैं, लेकिन आज उनका गला रूंध गया कि क्या हम माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए जुबान से बात करते समय उनके लिए क्या सम्मान व्यक्त नहीं कर सकते, भारत व्यक्त नहीं कर सकता। आज प्रत्येक भारतवासी के हृदय को यह बात छू गई है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार, मैं जरूर समझता हूं कि वो किसी सेलेक्टिव और कलेक्टिव भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार दलगत दलगत नहीं होता, भ्रष्टाचार आम लोगों के बीच जो व्याप्त है वो किसी दल में वो सबके ऊपर लागू होता है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, उन्होंने परिवारवाद के कारण अगर किसी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है किसी पार्टी में, किसी संस्थान में, केवल राजनीति की बात नहीं की उन्होंने संस्थानों की भी बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम इस रूप में लें कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, हमें इस देश में अंतिम पायदान पर खड़े वो लोग जैसे स्वयं चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री बन गए, स्वयं कोई नीचे से उठ करके साधारण काम करते हुए देश के बड़ी से बड़ी संस्थान का मालिक बन सके और राजनीति में ऊपर, आचार्य कुछ बोलना चाह रहे हैं, उस तरफ था उनका इशारा, उस तरफ था, मैं इतना ही कहूंगा।